फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चटपटा और मज़ेदार सा चिकन 65। इसके लिए मैंने ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। बाइट साइज के पीसेस में इसे काट लेना है। अब इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें ऐड कर देंगे इसे। वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और ये मैंने 1 टीस्पून बारीक चॉप्ड हरा धनिया लिया है और उसमें मैंने 3 पीसेस करी पत्ते के लिए हैं, उसे भी बारीक चॉप्ड कर लिया है। करी पत्ता इसमें जब डाल देते हैं बारीक चॉप करके, हरा धनिया और करी पत्ता, तो इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन का जूस। करीब 1 टीस्पून तक हो, इन सबको मिक्स कर देंगे। चिकन 65 जो है वो थोड़ा चटपटा हो तो अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे मसाले जो हैं हर पीस पे अच्छे से कोट हो चुके हैं, तो इसे अब 30 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 30 मिनट बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसे मैं 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। चिकन को मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। मैं जब घर पे बनाती हूँ तो बेसन ही यूज़ करती हूँ उसमें। अगर आप बेसन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप मैदा ले सकते हैं। और 1 अंडा, सबको भी मिक्स कर दें अच्छे से। ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अभी से इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए, पैन में मैंने ऑयल गर्म करने रखा है, चिकन को डीप फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने चिकन पीसेज ऐड कर दिए हैं इसमें। मैंने सारे चिकन पीसेज ऐड नहीं किए हैं इसमें। अगर सब एक साथ ऐड कर देंगे तो ऑयल एकदम ठंडा हो जाएगा और कुकिंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी इसकी। इसकी साइड किस तरह से चेंज करते हैं। बोनलेस चिकन है, जल्दी गल भी जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं इसे हमें पकाना है। फिर 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे गलने में। अगर ज़्यादा देर तक पका लेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा चिकन। ये देखिए, चिकन फ्राई हो चुका है, अच्छा कलर भी आ गया इसके ऊपर। अब इसको पीसेस को निकाल लेंगे। जो बाकी के चिकन है उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक। ये मैंने 8 धनिया लहसुन के लिए और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे
इसको थोड़ा सा पका लें, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी पत्ता, 8 से 10 करी पत्ता ले लें ऐड करते हैं उसे, और 2 हरी मिर्च ली है उसे एक तरह से मैंने काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे पका लिया मैंने, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तक मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन ली है हरी प्याज, उसे ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसका। फ्लेम को स्लो कर दें और इसमें ऐड करेंगे हमें हॉट चिली सॉस, ये मेरा होममेड है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा पका लें और इसमें ऐड करूंगी मैं साथ में 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तक, इसमें मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। 1 पिंच तक ऐड कर लूँ, ये ऑप्शनल है। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए सब पकने लगा है अच्छे से। अभी इसमें ऐड कर देंगे चिकन और सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस पर मसाला अच्छे से कोट होने लगा है, इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेना, फ्लेम को हाई कर दें। ये देखिए चिकन पीसेस जितने भी हैं सब अच्छे से कोट हो चुके हैं मसाले से। कलर भी बहुत अच्छा है उसका। हाई फ्लेम पे इसे करीब 2 मिनट तक इसी तरह से पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने 2 मिनट तक इस तरह से पका लिया है। चिकन पहले ही हमने फ्राई किया था तो गल गया था, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा पका लेंगे तो चिकन जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। गैस मैंने कर दी है बंद, अब इसे सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है चिकन 65 चटपटा सा, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग जल्दी से इसे ट्राई करें अपने घर में, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसे लगा, और देखते रहें मेरे चैनल को, और अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन्जॉय करें चिकन 65 ऋषि वाज किचन। थैंक यू।